नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है। एसएससी एमटीएस और हवलदार का वैकेंसी आ रही है। डेट है ना दोस्तों, क्लियर हो चुका है किस डेट को फॉर्म भराएगा, सारा कुछ आ चुका है ऑफिशियली दोस्तों, कैलेंडर में जारी कर दिया गया है डेट वगैरह। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे कब से फॉर्म भराएगा, टोटल नंबर पोस्ट कितना रहने वाला है, एज वगैरह कब से काउंट किया जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है और जॉब प्रोफाइल भी आपको बताएंगे, क्या काम करना पड़ता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, संपूर्ण डिटेल्स आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया एससी एमटीएस और हवलदार का दोनों वैकेंसी है। इसमें टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना तो हम आपको आगे पोस्ट बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखो अप्लाई डेट दोस्तों 14 जून से होगा। आप लोग बोलिएगा सर इतना जल्दी क्यों बता रहा, कैलेंडर में डेट जारी कर दिया गया, अप्रैल में तो 10 दिन में खत्म होने वाला है, उसके बाद दोस्तों मई एक महीना बाद इसका वैकेंसी है। 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहले इसलिए मैं बताता हूं ना, जैसे ही कोई अपडेट आता है फटाफट बताने की कोशिश करता हूं। अब अभी से आप लोग तैयारी में लग सकते हो क्योंकि दोस्तों अभी लगभग लगभग 50-55 दिन है वैकेंसी आने में, तो अभी से आप तैयारी कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। काफी आसान एग्जाम इसका होता है दोस्तों, 100 रुपए आपका अप्लाई करने का पैसा लगता है। एग्जाम डेट भी ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, तो अगस्त में एग्जाम चालू होगा और सितंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। अगस्त से सितंबर एग्जाम चलने वाला है। इसमें 18 से 25 साल एज ग्रुप वाले बच्चे भर सकते हैं, बाकी 27 साल के लिए भी कुछ पोस्ट होता है, ठीक है। तो देखो इसमें ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलता है। अब मान चलो 10,000 अगर वैकेंसी आता है ना, तो उसमें से दोस्तों लगभग लगभग 8 से लेकर 9,000 जो वैकेंसी रहेगा ना 18 से 25 साल वाले एज ग्रुप के लिए रहेगा, और ओबीसी का आप 3-5 साल छूट तो अपने से लगा सकते हो, ठीक है। बाकी 27 साल वाले एज ग्रुप के लिए थोड़ा बहुत सीट रहता है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास पे ही दोस्तों आपका वैकेंसी होता है, ठीक है। तो सबसे अगर एसएससी में लोअर पोस्ट की बात करें ना, मतलब क्वालिफिकेशन वाइज, तो ये पोस्ट है, ठीक है, 10वीं पास। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, और दोस्तों आपका पीटी और पीएसटी केवल हवलदार पोस्ट के लिए होता है, हवलदार का भी इसमें पोस्ट होता है, तो वो दोस्तों आपका जो फिजिकल होता है ना केवल हवलदार के लिए पोस्ट के लिए होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी हवलदार पोस्ट के लिए ही होता है, ठीक है। अगर आप एमपीएस में भरोगे, ज्यादातर पोस्ट 90% एमपीएस का ही होता है, उसमें आप रिटर्न दो और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बीच में कुछ झंझट नहीं, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर दोस्तों सिलेबस आपको देखिए ध्यान से, सेशन वन का जो सिलेबस है ना, ये देखिए ये केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, एग्जाम एक ही होता है। ये कंफ्यूजन मतलब रहिएगा कि दो एग्जाम होगा, सारा कुछ आपको बताते हैं। ये दोस्तों दो पार्ट में बांट दिया गया है, सरल भाषा में आपको बताए तो सेशन वन में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 120 नंबर हो गया। 45 मिनट का समय होता है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। मैथ से आपको बस 20 क्वेश्चन होता है और रीजनिंग से आपका बस 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन और 120 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। तो ये दोस्तों सेशन वन का सिलेबस है, ये बस आपको पास करना है और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पास करना है। 30% जनरल का, ओबीसी डब्ल्यू का 25% और 10 के लिए 20%, इतना मिनिमम लाना है, पास हो जाइएगा, उसके बाद सेकंड सेशन में आपको जाना है, ठीक है। चलिए अब जो सेकंड सेशन है ना, मतलब पार्ट टू बोल सकते हो, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, वो बताए दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हो, जनरली अगर हम बात करें ना छात्रों के, वो दोस्तों एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, या दोस्तों रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है डिफेंस या टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, और इन समय दोस्तों आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और उसे इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। और अक्सर आप लोग सवाल भी मुझसे पूछते होते हो, सर इन सब एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप बेस्ट बुक भी कभी कभी बता दिया करो, तो देखो आज मैं वही आपको बता रहा हूँ। ये बुक आता है दोस्तों अड्डा 24/7 पब्लिकेशन का एग्जाम सक्सेस ट्रिकी बुक, ठीक है। ये मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग बुक होने वाला है और काफी अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र दोस्तों 111 रुपए में आपको ये बुक मिल जाएगा। इस बुक में दोस्तों 184 पेज है, इन सब पेज का अगर आप प्रिंट भी कराओगे ना तो 200 से ज्यादा रुपए आपको लग जाएगा। तो ये दोस्तों बुक आप ले सकते हो, साथ में दोस्तों अड्डा 24/7 पब्लिकेशन का समान ज्ञान समान हिंदी और अंग्रेजी के लिए भी दोस्तों बुक आता है, सेम दोस्तों प्राइस में आपको मिल जाएगा, अलग अलग एग्जाम में आपका यूजफुल रहने वाला है। अगर इन दोनों बुक्स का आपको कॉम्बो चाहिए ना, तो कॉम्बो आपको और भी कम प्राइस में मात्र 209 रुपए में मिलने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब बुक्स का मैंने लिंक दे दिया, जाइए वहां से दोस्तों आप ले सकते हो, और ऑफर है ना कल रात के लिए ही सीमित है दोस्तों, तो फटाफट चेकआउट कीजिए। और दोस्तों आपको प्रूफ भी मैं दिखा देता हूँ, ये एसएससी का आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों हमने कैलेंडर डाउनलोड कर लिया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर ऑफ 2023-2024, यानी 2023 और 2024 में जिस जिस नया नया वैकेंसी आने वाला जिस जिस पोस्ट पर वो दिया गया है। नीचे बढ़ोगे आप 7वां नंबर पॉइंट देखो दोस्तों, यहाँ पर 7वां नंबर पॉइंट में 14 जून को दोस्तों आपका वैकेंसी आ रहा है, और लास्ट डेट की बात करें तो 14 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, और एग्जाम डेट दोस्तों अगस्त सितंबर दिया गया। ये ऊपर से आप लोग मिला लो, यहाँ पर देखो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन कब आने वाला है, क्लोजिंग डेट क्या है और एग्जाम का डेट दिया गया है, ठीक है। जिस जिस डेट में
आपको दिया गया है सारा उसी डेज में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा कैलेंडर दिया गया है इसके बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस वगैरह सारा कुछ का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से प्रूफ दिखा दिया मैंने आपको। अब देखिए दोस्तों सेशन टू का सिलेबस देखिएगा, क्योंकि इसी पर दोस्तों आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, ठीक है। इसमें आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 मार्क्स का, एक क्वेश्चन तीन नंबर क्यूँकी है दोस्तों, और 45 मिनट के इसके लिए आपका समय दिया जाएगा, ठीक है। हर एक गलती पे एक नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन और दोस्तों इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, ये जो टोटल 50 क्वेश्चन हो रहा है ना, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। ये जो दोस्तों आप जो देख रहे हो ना ये वाला, ठीक है, आपको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये क्वालिफाई करोगे तभी सेकंड पेपर जांच होगा, दोनों एग्जाम एक साथ होगा, एक ही दिन एक साथ होगा। ये खत्म हुआ उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पास कर जाते हो, मिनिमम मार्क्स ला देते हो, तभी ये चेक होगा, ठीक है। अब इसी पर मेरिट बनेगा, तो ये मिनिमम मार्क्स से आपका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। पार्ट वन जो है ना, सेशन वन, इसी में मिनिमम मार्क्स का लेना देना है, सेशन टू का भूल जाइए। सेशन टू पे क्योंकि आपका फाइनल मेरिट बनने वाला, तो इसी में ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको लाना है। कितना? 50 क्वेश्चन, मगर 40 क्वेश्चन प्लस कर दोगे ना तो आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखो इसमें दोस्तों पीटी और पीएसटी हो के लिए, मतलब पीटी और पीएसटी किस पोस्ट के लिए होता है, मतलब हवलदार के लिए, तो मैंने शुरू में ही बताया क्या क्या होता है वो देख लो। सबसे पहले दोस्तों आपका वॉकिंग होगा, वॉकिंग मतलब पैदल चलना होता है ना। देखो इसमें आपको 1600 मीटर 15 मिनट, अब इतना कम दोस्तों समय और इतना ज़्यादा, मतलब समझ लो ना पैदल चलना होता है, ठीक है। और फीमेल का 1 किलोमीटर 20 मिनट में, बाकी 157.5 सेंटीमीटर हवलदार पोस्ट के लिए हाइट चाहिए। अब एमटीएस में अप्लाई करोगे तो हाइट फिजिकल वगैरह कुछ नहीं, बस एग्जाम दो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, खत्म। और हवलदार में अगर भरोगे तो आपका एग्जाम होगा सेम एग्जाम, दोनों का एक ही एग्जाम होता है, यानी कि हवलदार का अलग सिलेबस है, उसके बाद आपका ये होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका हाइट हवलदार के लिए भरोगे तो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल में, और फीमेल में 152 सेंटीमीटर। बाकी एसटी है मेल में तो 152.5 और एसटी फीमेल में है तो 149.5। चेस्ट 81 से आपका 86 मेल का। बाकी मिनिमम वेट केवल फीमेल के वेट का मांगा गया है कि 48 kg आपका वेट होना चाहिए फीमेल में, और एसटी है तो 46 kg आपका वेट होना चाहिए। अब सैलरी कितना मिलेगा, देखो मिनिमम सैलरी जो स्टार्ट होगा ना दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ, ये 25,000 प्लस आपका सैलरी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो ना तो 25,000, ठीक है, मिनिमम फर्स्ट मंथ, धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा सैलरी, ठीक है। जॉब प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग पूछते भी रहते हो कि सर जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ एमटीएस वाले पोस्ट के लिए, ठीक है। एमटीएस इसके लिए आपका काम क्या करना होगा, एमटीएस का फुल रूप होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। आपको ऑफिस में काम, कंप्यूटर में भी काम दे सकता है, डाटा एंट्री करने का, फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल ले जाना, जीरोक्स करने का काम, ठीक है, जीरोक्स करने का भी काम मिल जाएगा, यानी मल्टी टाइप का काम मिलेगा, नाम से ही जाहिर है मल्टी टास्किंग स्टाफ, तो मतलब मल्टी टाइप का काम, अलग अलग काम आपसे करवाएगा। हाँ, ऑफिस में ही काम करना होगा, फील्ड वर्क नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइल को इस, मतलब इस ऑफिस से है ना, यहाँ से वहाँ ले जाना, सबका जीरोक्स करना, डाटा एंट्री के भी काम, तो कुछ भी आपका काम करवा सकता है, ठीक है। ये जिसको ध्यान रखिएगा, ये ऑफिस में काम रहेगा, ऑफिस का काम होता है भैया आपको ड्यूटी 10 से 4 का ड्यूटी है, ठीक है, तो अच्छा काम। अब हवलदार का दोस्तों अगर अप्लाई करोगे ना, हवलदार का फील्ड में काम होगा। फील्ड में कहने का मतलब क्या है, हवलदार का दोस्तों काम क्या होता है, एक तरह से चौकीदारी करना बोल सकते हो ना, हवलदार क्या करता है भैया, एक तरह से वो करता है, ठीक है। तो हवलदार का फील्ड में ड्यूटी मिल जाएगा, कभी शिफ्ट का भी कोई ठीक नहीं कि कब शिफ्ट में मिले कहाँ मिले, तो हवलदार का फील्ड वर्क हो जाएगा। हाँ, तो एमटीएस में ज़्यादातर पोस्ट आता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ सकता है वो भी बता दो। देखो पिछला डाटा के अनुसार जो मिनिमम, जहाँ तक मुझे लगता है ना, इसमें पोस्ट आएगा दोस्तों 10,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। अब दोस्तों 10,000 आएगा, अब एज कब से काउंट होगा, साल में 2 बार एज काउंट होता है। अगर जून से पहले वैकेंसी आ जाता है ना तो 1 जनवरी से काउंट होता है, अगर जून के बाद आता है ना तो 1 जुलाई से काउंट होता है। लेकिन कुछ कुछ केस में देखने को मिल रहा है कि दोस्तों अगस्त से भी एज काउंट हो रहा है, तो ये कन्फर्म मत मानिएगा। तो ज़्यादातर हो सकता है ना एज काउंट का 1 जनवरी से भी मांग सकता है या 1 जुलाई से भी ले सकता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक दोस्तों कन्फर्म आपको नहीं मानकर चलना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया, 14 जून से फॉर्म अप्लाई होगा, ये निश्चित रहिए। एसएससी का कैलेंडर आ चुका है दोस्तों और एग्जाम डेट वगैरह सारा कुछ आ चुका है, बस कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है ये दोस्तों, हम 10,000 के आसपास पोस्ट आपका आने की संभावना है। देखो एसएससी में इतना वैकेंसी है ना, हर महीने कुछ ना कुछ वैकेंसी है, तो इसलिए दोस्तों इस साल कैसे भी करके आपको जॉब ले लेना है, ठीक है। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।